हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त शुभम इलेक्ट्रिशियन। और आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि गोडाउन वायरिंग किस तरह से की जाती है। दोस्तों, गोडाउन वायरिंग करने से पहले मैं आपको बता दूं कि गोडाउन वायरिंग का इस्तेमाल क्यों किया जाता है और कौन सी जगह पे इस तरह की वायरिंग का इस्तेमाल किया जाता है और गोडाउन वायरिंग होती क्या है, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं। तो दोस्तों, इस तरह की वायरिंग समझने के लिए मैंने ऑलरेडी यहाँ पे वायरिंग करके रखी है ताकि मैं आपको प्रैक्टिकली आसानी से आपको समझा सकूँ। तो दोस्तों, मान लो कि यहाँ पे चार रूम है या चार शेड है, ठीक है। तो यहाँ पे चार रूम के लिए चार बल्ब है, 1 2 3 4, और चार स्विच है, 1 2 3 4, ठीक है। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ। तो गाइज, मान लो मैं यहाँ पे पहले रूम के दरवाजे पे एंट्री किया, ठीक है। तो मैंने ये एंट्री करते ही यहाँ पे पहले रूम का स्विच ऑन किया, दरवाजे के सामने स्विच जो होता है वो ऑन किया, फिर पहले रूम का बल्ब ऑन हो चुका है। अब मुझे आगे के रूम में जाना है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ये स्विच ऑफ करूँगा, फिर मैं आगे के रूम में जाऊँगा। लेकिन यहाँ पे एक दिक्कत हो रही है, जैसे ही मैं ये स्विच बंद करूँगा, मतलब पहले रूम का बल्ब बंद कर दूँगा, तो यहाँ पे अंधेरा हो जाएगा, तो मुझे जाने में यहाँ पे मुश्किल होगी, दूसरे रूम में जाने में मुश्किल होगी। तो गाइस, इसी बात को ध्यान में रखते हुए इस तरह का वायरिंग का यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। तो गाइस, मैं यहाँ पे पहले रूम में आया और पहले रूम का स्विच ऑन किया और बल्ब चालू हो चुका है पहले रूम का। जैसे ही मैं आगे जाऊँगा, मतलब बिना बंद किए जैसे ही मैं आगे जाऊँगा, अब मुझे यहाँ पे पिछले वाले रूम के बल्ब की जरूरत नहीं है। तो मैं यहाँ पे दूसरे वाले रूम का स्विच ऑन करूँगा। जैसे ही मैं दूसरे रूम का स्विच ऑन करूँगा, पिछले वाले रूम का बल्ब अपने आप बंद हो जाएगा। तो गाइज, देखा आपने यहाँ पे कितना अच्छा है, काम करता है वायरिंग। तो गाइज, जैसे ही मैं यहाँ पे तीसरे वाले रूम में एंट्री करूंगा, तो तीसरे रूम का स्विच ऑन करूंगा और पिछले वाले दूसरे रूम का बल्ब ऑफ हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा कि गोडाउन वायरिंग का इस्तेमाल क्यों किया जाता है। तो चलिए जानते हैं कि इस तरह की वायरिंग कैसे की जाती है। तो गोडाउन वायरिंग करने के लिए आपको मटेरियल चाहिए, चार होल्डर या तीन होल्डर आपके हिसाब से, आपको जितना मतलब पॉइंट निकालना है उतना आप होल्डर ले सकते हैं, ठीक है। बाद में चाहिए आपको तीन टू वे स्विच। टू वे स्विच यानी कि इस तरह से स्विच होता है, तीन टर्मिनल होते हैं उससे, ठीक है। मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था, जीना वायरिंग करके दिखा था, स्टेयर केस वायरिंग करके दिखा था। अगर आपको वो वायरिंग जानना है, सीखना है, तो ऊपर दिए हुए आई बटन में जाके देख सकते हैं और सीख सकते हैं। बाद में आपको ही सिंपल स्विच लेना है, यानी कि रेगुलर स्विच जो होता है हम घरों में यूज किया जाता है, दो टर्मिनल वाला ही एक स्विच लेना है, ठीक है। तो चलिए हम वायरिंग करना स्टार्ट करते हैं। तो गाइज, मैंने टाइम बचाने के लिए, वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, तो ऑलरेडी है चार होल्डर की मैंने वायरिंग करके रखी है। फिर भी मैं आपको समझा देता हूँ कि ये वायरिंग किस तरह से की मैंने, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, आपको मालूम ही होगा, जो घरों में या ऑफिसेस में या कहीं पे भी जो वायरिंग की जाती है, वहाँ पे जो न्यूट्रल होता है वो कॉमन किया जाता है, ठीक है। यानी कि एक दूसरे से कॉमन किया जाता है। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने न्यूट्रल यहाँ पे कॉमन कर दिया है, यानी कि एक दूसरे से लूप कर दिया है। तो गाइज, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे है न्यूट्रल आया और यहाँ पे कॉमन होके फिर से दूसरे बल्ब को गया, ठीक है। तो इस तरह से ही न्यूट्रल कॉमन किया जाता है और जो फेज वायर होता है ही स्विच को जाता है। तो गाइज, आपको सबसे पहले एक सिंपल स्विच लेना है, दो टर्मिनल वाला। तो सबसे पहले जो स्विच लेंगे उसे इनकमिंग मेन फेज सप्लाई देना है, यानी कि जो हमारा इनकमिंग फेज जो आएगा, मेन सप्लाई का फेज वायर, वो हमें स्विच को देना है, ठीक है। तो गाइज, ये इनकमिंग मेन फेज जोड़ने के बाद दूसरे वाले टर्मिनल से, स्विच के दूसरे वाले टर्मिनल से आपको टू वे स्विच के बीच वाले टर्मिनल में आपको सप्लाई देना है। तो ये जो टू वे स्विच के बीच वाले टर्मिनल को यहाँ पे आपको सप्लाई दे देना है, इस वाले टर्मिनल का सप्लाई यहाँ पे आपको दे देना है। तो गाइस, इस तरह की वायरिंग करने के बाद आपको क्या करना है, पहले वाले बल्ब का जो फेज वायर होगा आपका, वो ऊपर वाले टर्मिनल में आपको दे देना है। इस आपको बाद में क्या करना है,
कि है जो दूसरे वाले टू वे स्विच के आखिरी वाले जो नीचे वाला जो टर्मिनल है, नीचे वाला जो पॉइंट है, आपको तीसरे टू वे स्विच को आपको यहाँ पे बीच वाले टर्मिनल को फिर से सप्लाई दे देना है। तो आपको बाद में ठीक वैसे ही यहाँ पे दूसरे वाले बल्ब का फेज वायर यहाँ पे आपको ऊपर वाले टू वे स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल को जोड़ देना है। तो आपको इस तरह से फिर से वायर जोड़ लेना है। फिर बाद में आपको क्या करना है, तीसरा वाला टू वे स्विच लेना है और ठीक वैसे ही यहाँ से वायर लेके, मतलब यहाँ से वायर लेके यहाँ पे आपको आगे वाले टू वे स्विच के बीच वाले टर्मिनल को सप्लाई दे देना है। तो गाइस बाद में आपको क्या करना है, ठीक इसी तरह से आपको इस वाले बल्ब का फेज यहाँ पे ऊपर वाले टर्मिनल को जोड़ देना है। तो गाइस आपको बाद में क्या करना है, जो आखिरी वाला जो बल्ब का जो एक पॉइंट बचेगा, जो फेज का वायर बचेगा, तो ये आखिरी वाले स्विच के नीचे वाले टर्मिनल को इस तरह से आपको जोड़ देना है। तो गाइस आपको इस बात को ध्यान रखना है, यहाँ पे मैंने चार होल्डर लिए हैं, यहाँ पे आप तीन होल्डर की आपको ज़रूरत हो सकती है, या पांच होल्डर की भी ज़रूरत हो सकती है, या छह होल्डर की भी ज़रूरत हो सकती है। आपके हिसाब से आपको जैसा चाहिए आप वैसे होल्डर ले सकते हैं, ठीक है, और स्विच बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो गाइज आपको इस बात को ध्यान में रखना है कि जो आखिरी वाला जो स्विच बचेगा, यानी कि स्विच और होल्डर बचेगा, वो आपको क्या करना है, नीचे के टर्मिनल को आपको इस तरह से जोड़ देना है, ठीक है। तो ये आखिरी वाला ही स्विच बचा है और ये आखिरी वाला होल्डर का जो फेज वायर बच रहा है, तो यहाँ पे मैं यहाँ पे इस वाले नीचे वाले टर्मिनल को जोड़ दे रहा हूँ टू वे स्विच के, ठीक है। हमारी वायरिंग कंप्लीट हो चुकी है, तो चलिए हम इसे टेस्ट करते हैं।